पिछले दिनों सुप्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती सुमन अग्रवाल का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। ज्ञात रहे ठाणे के सुसज्जित हॉल में अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ श्रीमती सुमन अग्रवाल जी ने अपना जन्मदिन मनाया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती अग्रवाल पिछले 25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत होने के साथ साथ महाराष्ट्र कांग्रेस की महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय सचिव, लायंस क्लब की सक्रिय सदस्य, मारवाड़ी इन थाने वेलफेयर और सुप्रयास फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर ग्लोबल इनरिचमेंट ऑर्गेनाइजेशन जीओ के चेयरमैन श्री मनीष शाह जी उपस्थित रहे। हॉल में ही श्रीमती सुमन अग्रवाल को ग्लोबल इनरिचमेंट ऑर्गेनाइजेशन जीओ की अंतर्राष्ट्रीय निदेशक के पद पर नियुक्ति मिली है, इसलिए यह जन्मदिन और भी यादगार बनाने के लिए मीडियाकर्मी, संचार माध्यम के लोगों को भी खास निमंत्रित किया गया था। इस जन्मदिन सेलिब्रेशन में मधुर गीतों का सुंदर आयोजन किया गया था। जाहिर है आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी श्रीमती सुमन अग्रवाल करेंगी, इसलिए भी यह जन्मदिन सेलिब्रेशन अधिक महत्वपूर्ण रहा। तो यह 3 रोज पहले सुमन जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। मैं कहीं बाहर गया था, वहाँ से सीधा आ रहा हूँ तो खाली हाथ आना पड़ा, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि वहाँ से यहाँ आने को 1.25 घंटा लगता है। जाऊँ नहीं जाऊँ एक चक्कर में खाली आता है, तो माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से आपके। जियो ये ग्लोबल एनरिचमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, हमारे जैनों की काफ़ी संस्थाएं हैं, जीतो है, जियो है, जैन सोशल ग्रुप है, जैन जागृति सेंटर है, इसी तरह हम लोगों ने एक ग्लोबल एनरिचमेंट संस्था की यहाँ पे स्थापना की है। तो हम लोग यहाँ पे और विश्व में सभी जगह पे अपने चैप्टर्स चालू कर रहे हैं। हमारे पास आज 5 लाख मेंबर पूरे विश्व में सब मिला करके 5 लाख मेंबर आज तक है, जो हम लोग 50 लाख तक लेके जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आपका सबका साथ सहकार और आशीर्वाद होना खूब खूब जरूरी है इसके लिए। और मैं ये चाहूँगा सुमन जी के लिए 2 वर्ड बोलना चाहूँगा। सुमन जी को मैं काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से जानता हूँ, और आई एम श्योर कि यहाँ की अभी आमदार के इलेक्शन आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर कोई पक्ष से, खास करके कांग्रेस पक्ष में वो कार्यरत रही है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति बहुत भेग रही है, पता नहीं आज कौन शिवसेना में है, कौन बीजेपी में जा रहा है, कौन कांग्रेस में है, कौन कहाँ है। अगर पार्टी, कोई पार्टी उनको अगर टिकट देती है तो ग्लोबल एनरिचमेंट तन से मन से वो धन के उनके साथ है। सिर्फ इतना और इतना ही बताने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।